दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि वायु वितरण को डिजाइन करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वायु डिजाइन या वायु वितरण सिस्टम को डिजाइन करते समय बातों को ध्यान में रखा जाता है, वो निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए। जैसे नंबर एक है एयर कंडीशनिंग स्थान फर्श से लगे 2 मीटर ऊंचाई तक होना चाहिए। नंबर दो, विभाजित वायु की मात्रा भवन के अलग अलग कमरों के क्रमांक क्षेत्र व लोड के अनुसार होनी चाहिए। नंबर तीन, कमरे की वायु का तापमान हवा की गति और वायु की आर्द्रता मानव शरीर के सदन या सहन करने के लायक होनी चाहिए। नंबर चार, कमरे की वायु और सप्लाई की जाने वाली वायु के बीच तापमान का अधिकतम अंत 8.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें इससे अधिक अंतर होने पर ठंड अधिक बढ़ जाती है, जिससे शरीर में बेचैनी होने लगती है। नंबर पांच, आउटलेट अथवा पिन से निकलने वाली वायु लगती है 2 मीटर से अधिक ऊपर की नहीं होनी चाहिए, इससे मनुष्य को आराम मिलता है। नंबर छह, वायु का घुमाव मनुष्य के चेहरे की ओर होना चाहिए। नंबर सात, यदि वायु का घुमाव वर्टिकल हो तो वायु की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होनी चाहिए। नंबर आठ, उचित वायु विभाजित गर्म या ठंडे स्थानों से हटकर होना चाहिए। नंबर नौ, ब्रांच डक्ट में वेग 190 से 270 मीटर प्रति मिनट रखा जाता है और शोर वाले स्थानों से 450 से 550 मिलीमीटर प्रति मिनट रखा जाता है। उसके बाद आता है कमरे के एयर आउटलेट से बाहर सप्लाई की जाती है, उसे प्राइमरी वायु कहते हैं। इस प्राइमरी वायु के साथ कमरे की जो हवा होती है उसे सेकेंडरी वायु कहते हैं। प्राइमरी वायु के द्वारा कमरे की वायु का आयतन बढ़ जाता है, जिस कारण उसका वेग कम हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि वायु वितरण को डिजाइन करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखने चाहिए या रखें। तो आप इस वीडियो को पूरा देख करके अच्छे से समझे, समझ करके वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।